अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको KFC फ्राइड चिकन या क्रंची चिकन बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि KFC फ्राइड चिकन की रेसिपी क्या है और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन लेने के बाद मैंने इतने साइज की इसकी बोटी रखी है और साथ में मैंने ये विंग्स लिए हैं, ये मैंने लेग पीस लिया है। आपको जो सा पीस पसंद हो आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम 1 चम्मच विनेगर सिरका लेंगे, 1 चम्मच हम रेड चिली सॉस लेंगे, 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, नमक आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है, मैं तकरीबन 1 चम्मच नमक इस्तेमाल करूंगी, 1/2 चम्मच आपने काली मिर्च, थोड़ा सा लीमू का रस, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, 1 चम्मच अदरक लहसुन। और इसके बाद अब जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने अक्सर सुना होगा जब भी फ्राइड क्रिस्पी चिकन की बात आती है स्पेशली KFC चिकन की, तो लोग आपको अंडे का इस्तेमाल बताएंगे, आपको चावलों के आटे का बताएंगे, कॉर्नफ्लोर बताएंगे, ब्रेड क्रम्स बताएंगे, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ये सिंपल मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर, सिंपल मैदे से बहुत ही बेहतरीन KFC चिकन जो है वो बनाना सिखाऊंगी, क्रिस्पी चिकन। अब चलते हैं चिकन को मैरिनेट करने की तरफ। अब मैरिनेशन के लिए मैंने एक बॉल ली है, बॉल के अंदर हम चिकन डाल लेंगे, इसके बाद हम 1 चम्मच विनेगर सिरका, 1 टेबलस्पून हमने ये रेड चिली सॉस, अदरक लहसुन की पेस्ट, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो हम मैरिनेट करके रखेंगे। इसके साथ ही मैं ये लीमू का रस डाल रही हूं, मैंने अभी 1 डाला है, आपको जितना पसंद हो अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर लीजिए। चलिए अब ये मैरिनेट हो गया, मैं इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आपको कोटिंग के लिए बताऊंगी कि इसमें मैंने मैदा लिया और मैदे में मैं थोड़ी सी ये काली मिर्च ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक आपने हस्बे जरूरत ऐड करना है इसमें। अब इसमें हम और कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस सिंपल अब हम इसकी कोटिंग करना शुरू करेंगे चिकन को। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, मैंने इसको 2 आवर्स बिफोर मैरिनेट कर लिया था, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इस चिकन के साथ साथ ये चिल्ड बहुत ही यख ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है, इसी से आपकी सारी जो है कोटिंग वो जबरदस्त बनेगी। इसके साथ हम सिंपल मैदा, ये 3 चीजें हमने लेना है, फुल चिल्ड या ठंडा पानी, मैदा और मैरिनेट चिकन। चलिए अब हम कोटिंग करते हैं। ये देखें अब मैं क्या करूंगी, कोई भी एक बोटी का पीस पकड़ लूंगी, इसको आपने उसी मैदे में जिसमें मैंने आपको पहले बताया था आपने इस तरह इसके ऊपर कोटिंग करते जाना, जितना अच्छे से आप इसको दबा दबा कर मैदा लगा सकते हैं उतनी जबरदस्त इससे आपकी कोटिंग होगी, जितना अच्छे से आप इसको लगा लें। ये प्रेस कर करके आपने इसको कोटिंग कर, अब ये इसको मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे इस पीस को उठाकर इस चिल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए इस तरह रख देंगे, उतनी देर मैं दूसरा पीस को कोटिंग करूंगी। इस तरह आपने इसको हल्का सा करके पानी के अंदर, अब मैं अगली, अब जो सबसे पहले डिप की थी उसको मैं इस कोटिंग के अंदर दोबारा डालूंगी और दूसरे हाथ की मदद से
मैं इस पर अच्छी से दोबारा कोटिंग लगा दूं। जब आपने पानी से निकालना है तो तब आपने इसको ज्यादा अच्छे तरीके से, बाद में ज्यादा अच्छे से करेंगे। और अब इसको आपने अच्छे से इस तरह करके और ये प्लेट में हम साइड पर रख देंगे। हमें फिर पहले वाली बोटी और सेम इसी तरीके से मैं दबा दबा कर अच्छे तरीके से इसको कोट करूंगी। इसके लिए जो मैदा है वो आप खुला इस्तेमाल करेंगे ज्यादा। ये देखें, अब मैं इस तरह बाकी सारी बोटियों को तैयार कर लूंगी। ये देखें जी, हमारा यहाँ तक का जो है वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट टास्क में हम इसको फ्राई करेंगे। पहले मैं इसको तेज आंच पर गर्म कर लूंगी। जैसे ही मैं इसके अंदर बोटी डालूंगी तो मैं आंच को दरमियानी कर लूंगी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए, बोटी कच्ची ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कदर इसके ऊपर क्रिस्प आ गया। अभी ये हाफ कुक्ड हुआ है, जब इसे हम फुल कुक करेंगे तो इसके क्रिस्प ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। ये आपको वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके क्रिस्प ऊपर बन गए। अब मैं इसको डिशर्व करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा केएफसी फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको स्क्रीन पर इसके क्रिस्प बखूबी नजर आ रहे होंगे, क्लियर है, या आप इसके क्रिस्प देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इसको ट्राई करें कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।